नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी सरकारें ये नारा दे रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछती हूँ कि बेटी को किस लिए पढ़ाया जाए और बेटी को किस लिए बचाया जाए? आग में जलने के लिए, जहाँ उसकी सरेआम इज्जत नीलाम करने के लिए। जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टेट में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और लड़कियों की इज्जत को, लड़कियों को सुरक्षित रखें। अब ये जो अंकिता सिंह है, जिसकी 28 तारीख को, जाने के दो दिन पहले, रविवार को सुबह को मौत होती है, इसकी मौत का जो रीज़न है बहुत ही दुखद है। एक लड़का जो कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार करता है, एक तरफा प्यार क्या होता है? इसे सीधे सीधे बदमाशी कहना चाहिए, इसे सीधे सीधे बेशर्मी कहना चाहिए। जब एक लड़की एक लड़के से बात नहीं करना चाह रही है तो वो उसका पीछा क्यों कर रहा है? और जब उसने मना कर दिया तो उसके ऊपर तेल डाल करके उसको जला दिया गया। ये कौन सा एक तरफा प्यार हुआ? ये तो बेशर्मी हुई ना, ये तो बदतमीजी हुई, ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात हुई। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो इसके जांच कर रहे थे एसडीपीओ, उनको हटा दिया गया है जांच से। उन पे ये आरोप लगने लगा कि वो शाहरुख को बचा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको हटा दिया, अच्छा किया। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जो है इस पूरे मामले की जो जांच हो रही है, निकल के कुछ नहीं आया। और उस लड़के की बेशर्मी देखिए, पुलिस हिरासत में हंसता हुआ चला जा रहा है। जो उसकी हंसी है वो ये बताती है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदमी जब, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, जिसको पुलिस लेके जा रही है, उसकी आंखों में ज़रा भी डर नहीं है, तो उससे यही अंदाज़ा लगेगा ना कि कोई ना कोई उसके सिर पर हाथ रखे हुए बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये साफ तौर पे कहा था कि ये जो लड़का है ये लव जिहाद का ही एक पार्ट है। चूंकि लड़की ने उसका कहना नहीं माना, इसलिए उस पे तेल डाल करके उसको बेरहमी से जला दिया गया। अब उस लड़की के माता पिता के आंसू सूख नहीं रहे हैं। भले ही उस लड़के को कोई भी सजा दे दी जाए, फांसी दे दी जाए, कोई भी सजा दे दी जाए, लेकिन उस घर की बेटी वापस नहीं आने वाली। और ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि यहाँ पर लव जिहाद जो है शुरू हो जाए और जो बेटियाँ हैं उनके साथ गलत काम हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि लव जिहाद का एक पूरा पैकेज होता है। अगर आपने लड़की से दोस्ती कर ली है तो उसका अमाउंट अलग होगा। अगर आप उस लड़की के साथ शादी करते हैं तब आपको एक बहुत मोटा अमाउंट मिलेगा। और अगर उस लड़की को प्रेग्नेंट होने के बाद आप छोड़ते हैं या बच्चे हो जाने के बाद आप छोड़ते हैं,
तो आपको और भी मोटी रकम मिलेगी। इस पे क्यों नहीं सोचा जाता? मैं लड़कियों से भी ये कहती हूँ कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। एक और खबर रांची की ही है, बहुत दिल को दबित करने वाली है। एक बच्ची जिसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया, गाड़ी में ये काम होता है, और राजधानी रांची में ये घटना होती है। ये घटना रातू थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर 5 अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक छात्रा को अगवा किया और उसके बाद सामूहिक रूप से उसके साथ गलत काम किया। हाँ, पुलिस ने बहुत तेजी से इस पे काम किया, 5 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन फिर पता चलता है कि उन 5 आरोपियों को साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी कर दिया जाता है। अभियोजन पक्ष जो है, 8 जो गवाह थे उसके ये साबित नहीं कर पाए जो आरोप लगाए गए थे आरोपियों पे। अब ये भी बड़ी अजीब बात है, एक लड़की जिसके साथ गलत काम हुआ है, क्या उसका मेडिकल नहीं हुआ होगा? क्या उस मेडिकल में ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी कि उसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया है? बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि बेटी क्यों बचाई जाए? ऐसे ऐसे लोगों द्वारा बेटियां अपमानित हो या बेटियां मार दी जाएं, बहुत बड़ा सवाल है झारखंड सरकार के सामने, जहां पर लड़कियों की ना तो आबरू संभाली जा रही है, ना तो जो दोषी हैं उनको कोई ऐसी सख्त सजा दी जा रही है जो कि दूसरे लोगों के लिए भी एक मिसाल बने। ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। ऐसी अंकिताएं, अंकिता सिंह जैसी बच्चियां अपनी जान गंवाती रहेंगी। और दूसरा जो मैंने जिक्र किया था आपसे, जिस लड़की के साथ बुरा काम हुआ, ऐसे जो काम है सामूहिक रूप से गलत काम लड़कियों के साथ जारी रहेंगे, अगर सही तरीके से इन मामलों में तफ्तीश ना की गई तो। अब देखिए ना, तफ्तीश भी क्या करेगी, आपने क्या तफ्तीश की कि आप उसमें कोई गवाह तक जो है ठीक से या साक्ष्य तक जो है ठीक से जुटा नहीं पाए? क्यों? ये बात सबको पता है। दोस्तों, कुल मिला के जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कुछ सरकारें इसको गौर न करते हुए जो गलत काम कर रहे हैं उनको हवा दे रही हैं। और जिस तरीके से अंकिता सिंह के साथ ये हादसा हुआ है, और जिस तरीके से ये मैंने दूसरी बच्ची का जिक्र किया है, ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी आसपास की घटनाएं हैं, मैंने इसलिए इनका जिक्र किया। लेकिन अगर आप पीछे केवल 6 महीनों का ही ग्राफ उठाएं तो आपको और भी ऐसे केस मिल जाएंगे। आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये लड़कियों की बात है, ये बेटियों की बात है। आप क्या सोचते हैं इस पे? क्या होना चाहिए? कौन कहाँ पे गलत है? किससे कहाँ चूक हो रही है? ये आप ज़रूर बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।